Hi everyone, welcome to my channel. This is Apurva and aaj ka video hai preparation for my cousin's wedding. So preparation is very tough actually to do some preparation for me. मैं इतनी आलसी हो गई हूँ ना ये work from home के चक्कर में. But yeah, I have to do is because very few days are left for the wedding. तो मैंने कुछ चीजें हैं जो मुझे करनी है जो प्रायोरिटी पे है तो वो लिस्ट डाउन की है मैंने चीजें. आई थिंक 4 या 5 चीजें है. पहली चीज है वो है हेयर कट विच आई ऑलरेडी डन. आपने वीडियो भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगी इधर पे, तो आप प्लीज देख लेना. थ्रेडिंग वगैरह करना था, जो भी चीजें हो गई हैं. द सेकंड वन इज, और बाय द वे गाइस मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं मेरे जैसे जो लास्ट मिनट पे काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत इजी रहेगा क्योंकि मैंने आज का एकदम डेडिकेट किया है ये दिन जो मुझे चीजें करनी है. आज मैं सारा काम निपटा लेने वाली हूँ. तो द नेक्स्ट वन इज पेडिक्योर. तो मुझे पेडिक्योर करना है और ये मैं घर पे ही करने वाली हूँ. आई हैव ऑलरेडी गॉट वन पेडिक्योर किट फ्रॉम नाइका. आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगी उसमें स्टेप्स कैसे है. द थर्ड वन इज विच इज फेशियल किट जो मुझे घर पे करना है क्लीन अप. एंड द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मुझे कपड़े खरीदने हैं. बट मेरा हाँ दिमाग में है कि मुझे कैसे खरीदने हैं. बाय द वे आपने कुछ ऑब्जर्व किया है मैंने ये टी शर्ट क्यों पहना? थोड़े रिंकल्स दिखेंगे सो प्लीज इग्नोर दैट. बट इसमें लिखा है डू इट नाउ. मैंने डिसाइड किया है मैं ऑनलाइन ही खरीदूंगी. एज आई एम वेरी यू नो आलसी काइंड ऑफ पर्सन, तो मैं ऑनलाइन खरीदूंगी. तो मोस्टली इसके बाद में पहले कपड़े ऑर्डर करूंगी क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी वो डिलीवर होनी चाहिए. इसीलिए तो यहाँ पे मैं शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे दूंगी तो आप देख सकते हो कि मैं कौन से कपड़े खरीदने वाली हूँ या खरीदूंगी. यस, तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि एंगेजमेंट के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक गाउन है तो वो मैं पहनूंगी. देन हल्दी के लिए मुझे येलो कलर का कोई ऐसा ट्रेंडी सा कपड़े, ट्रेंडी से कपड़े पहनने हैं. जैसे कुछ जैकेट या पैंट क्रॉप टॉप ऐसा काइंड ऑफ कुछ मिलेगा तो अच्छा रहेगा मिंत्रा से या अजियो से, तो वो मैं खरीदूंगी. उसके बाद मुझे संगीत के लिए भी एक कपड़े चाहिए, तो वो मैंने सोचा है शरारा या गरारा, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, तो वो मुझे पहनना है. वो भी थोड़ा काफ़ी ट्रेंड में है अभी, तो वो मैं पहनूंगी. और शादी के लिए मैं साड़ी पहनने वाली हूँ. चलो देन लेट्स स्टार्ट विद दिस पेडिक्योर फर्स्ट. तो ये मैंने वादी का पेडिक्योर खरीदा है फ्रॉम नाइका विच इज़ अ पेडिक्योर मैनिक्योर स्पार्क किट. और इसमें 5 स्टेप्स उन्होंने मेंशन किए हैं. एंड आई विल स्टार्ट विद द फुट क्लींजिंग जो फर्स्ट स्टेप दिया है, तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करूँगी. द फर्स्ट स्टेप इज फुट क्लींजर. अप्लाई ऑन टू योर फीट एंड मसाज जेंटली इन सर्क्यूलर मोशन फॉर 5 मिनट्स. वॉश ऑफ एंड पैट ड्राई. The next step is foot scrub. Soak your feet in warm water for 5 minutes. Massage scrub gently in circular motion around the foot. Wipe away scrub with a warm damp towel. The third step is foot cream. Gently massage cream into your skin and cuticles properly. Use daily after bath. The fourth step is anti-tan foot mask. Apply a thick layer all over your feet and leave on for about 20 minutes. Rinse it off with water. The fifth and the last step is nail and cuticle oil. Apply the oil to the nail and cuticle area with the roller ball. Very gently massage in to improve absorption and to help moisturize and condition nails. हाय गाइस, सो फाइनली पेडिक्योर हो गया है. करके टोटल अराउंड 1 आवर मुझे लगा. तो ये है पॉन्ड्स का फेशियल किट जो है विटामिन ब्राइटनिंग फेशियल किट फॉर स्पॉटलेस ब्राइट स्किन होम फेशियल किट. इसकी प्राइस है 300 और शायद ये ना 3-4 बार यूज़ कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा. 300 में मुझे इतना बड़ा सा ऐसे किट मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है. इसमें भी 6 स्टेप्स है जैसे आपने देखा फूड स्पा में भी टोटल 5 स्टेप्स है. यहाँ पे भी उन्होंने अच्छे से मेंशन किया है कि कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे. इसमें ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्स हैं ये देखो. एंड गुड पार्ट इज उसमें ना नंबरिंग लिखा है देखो 4th. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्लींजर. The first step is cleanser. Apply on the face and neck, massage in small circular strokes for 2 to 3 minutes and wipe off with moist cotton.
The next step is scrub. Apply the scrub all over the face, massage gently in the circular movements for 5 to 7 minutes. Use water if needed. The third step is nourishing cream. Massage the nourishing cream gently with fingertips till it gets absorbed. The fourth step is massage cream. Massage the cream on your face and neck in light circular upward strokes for 10 to 15 minutes. Use water if needed. Face mask. Apply the mask in a thin even layer all over the face and neck. Keep it for 10 to 15 minutes. फूड स्पा जब मैं कर रही थी ना, मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा ये जो भी मेथड था, जो भी प्रोसेस था. और ये मैं जो क्लीनअप कर रही हूँ ना, वो भी मुझे बहुत सूदिंग लग रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है. जब भी आप अगर ऑर्डर करोगे और आप देखोगे ना, तो हर एक का स्मेल काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है. और हर एक का टेक्स्चर जो है वो भी अलग है. तो स्क्रब है तो प्रॉपर स्क्रब के ग्रैन्यूल्स है उसमें. फेस मास्क है तो उसका भी थिक लेयर. क्रीम अच्छा है, उसका मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी मुझे अच्छा लगा, थोड़ा जेल टाइप था. द लास्ट स्टेप इज फिनिशिंग क्रीम. डेक द क्रीम ऑन योर फिंगर टिप्स एंड जेंटली अप्लाइड ऑल ओवर योर फेस. सो माई स्किन फील सो गुड. ये यूज करने वाली हूँ जो है फेस मास्क, बॉडी शॉप का फेस मास्क विथ राइस एक्सट्रैक्ट. ये भी मैंने नाइका से ऑर्डर किया है. सो लेट्स स्टीयर इट अप. हाय एवरीवन, सो दिस इज डे 2 फॉर द प्रिपरेशन. एंड एज आई प्रॉमिस, आई एम विथ माय दिस बैग व्हिच हैज अ लॉट ऑफ मेकअप व्हिच आई गॉट फ्रॉम नाइका. दीज ऑल आइटम्स आर माय फर्स्ट परचेस. यू नो, आई हैवंट हैड एनी फाउंडेशन अर्लियर, सो आई एम नॉट श्योर वेदर द शेड विल सूट मी और नॉट. बट लेट्स चेक इट आउट, लेट्स अप्लाई इट एंड देन विल सी कि मुझे वेडिंग के लिए ये मेकअप करना चाहिए या नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट थिंग विच आई गॉट फ्रॉम Nykaa is this primer. This is Base Magic L'Oreal का transforming smoothening primer. Okay, and the price was I don't remember exactly the price. I will mention it here, and I will of course mention the links in the description box for all these products. By the way, ये जो primer है ये बहुत ज़्यादा छोटा है, but इसका price जो था बहुत काफ़ी ज़्यादा था. इसके बहुत सारे अच्छे reviews थे और मुझे ट्राई करना था कभी. बहुत क्रीमी टेक्सचर है इसको, कुछ ऐसे स्मेल है नहीं. और इसका मैं आपको टेक्सचर बताती हूँ. दिस इज द टेक्सचर, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा क्रीमी है. लेट्स अप्लाई दिस. आई थिंक बेटर या ओके, लेट्स डू इट. ओ माय गॉड, मक्खन है मक्खन गाइस, बहुत ज्यादा अच्छा है. देख सकते हो क्या आप डिफरेंस? कैन यू सी द डिफरेंस? आई मीन इट्स प्रॉपरली विजिबल. हाँ, तो मुझे लगता है प्राइमर, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने यूट्यूब्स के वीडियो में देखा है, कि प्राइमर ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आपको फाउंडेशन लगाना है. तो बेस आपका काफ़ी प्लेन हो जाता है, काफ़ी स्मूथ हो जाता है. आई लिटरली कैन सी द डिफरेंस, द विजिबल डिफरेंस, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है. मैंने ऑलरेडी बाय द वे सनस्क्रीन लगाया है. हाई, सो देयर वाज समवन एट माय डोर, दैट्स व्हाई आई हैड टू गो. सो या, व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है. आई डोंट नो, कैन यू सी इट? बट आई कैन फील इट एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट. लेट्स गो टू द अदर प्रोडक्ट विच इज़ दिस मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन. ये काफ़ी ज़्यादा यू नो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगा है मुझे, क्योंकि इसके सारे अच्छे ही रिव्यूज़ थे. और मैंने ये ऑनलाइन लिया है तो आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई शेड, बट मैंने जो ये पिक किया है उससे मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा डार्क हो गया है, एक शेड डार्क हो गया है. द नेम ऑफ द शेड इज क्लासिक टैन, 335 क्लासिक टैन. और ये मुझे काफ़ी सस्ते में मिला है. ये मैंने नाइका पिंक सेल से लिया था. इसकी एमआरपी जो है वो है 549 एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड 275. द अदर फाउंडेशन, दिस इज द कलर बार का फाउंडेशन. द नेम ऑफ द फाउंडेशन इज 24 आवर्स वेटलेस लिक्विड फाउंडेशन. इट इज 25 ml और इसकी प्राइस जो है वो है 995. ओ माई गॉड, और ये मुझे शायद 850 या 800 तक मिला है. शेड है वो है FW5.1 और आप देख सकते हो ये एक शेड मुझे लाइटर लग रहा है. तो आई थिंक ये अगर मैं दोनों एक साथ मैच करूंगी तो मे बी ये मुझे प्रॉपर सूट होगा ये शेड. तो लेट्स सी, चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर जो है मेबेलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड. और इसका जो शेड है वो है 144 कैरमल.
ये मुझे लग रहा है ये काफ़ी मुझे प्रॉपर से मैच होगा, आई होप सो. बट अगेन इसका ना मुझे एप्लीकेशन बहुत अच्छा लगा. यू हैव टू ट्विस्ट इट, देन जो भी इसमें कंसीलर है वो ऊपर आएगा एंड यू कैन जस्ट अप्लाई लाइक दिस एंड ब्लेंड इट विथ दिस. सो आई लाइक दिस प्रोडक्ट, बट लेट्स सी कैसे मैच होता है, वी विल सी. द नेक्स्ट वन इज ये अगेन मेबेलिन. ये मेरा पुराना परचेस है बट आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, सो आई थॉट कि आपके साथ मैं शेयर करूंगी. इसका जो शेड है वो 30 मीडियम डीप. ये है मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन. इट इज लूज फिनिशिंग पाउडर और ये काफी मुझे अच्छा लगता है. इफ यू आर नॉट अ फैन ऑफ फाउंडेशन, सीसी क्रीम या कंसीलर, देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस लूज पाउडर बिकॉज इट गिव्स यू अ गुड फिनिश. बहुत अच्छा मैटे लुक देता है. इसमें बहुत सारा पाउडर है तो मैं ज्यादा ऐसा नहीं कर सकती, अगर नहीं तो ये गिर जाएगा. देन द नेक्स्ट थिंग इज विच आई एम गोइंग टू कैरी विथ मी इज दिस हाईलाइटर. This is gifted by my friend and this is the highlighter which has 3 shades. So you can see it, I've already ruined this part. ये है beige color में. फिर the next color is आप देख सकते हो मेरी skin को एकदम match है. And the third is bronze वाला, तो आप bronzer के लिए भी ये use कर सकते हो, eye shadow के लिए भी कभी use कर सकते हो, but this is particularly highlighter. So I think let's start with the concealer. मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए. आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. आई डोंट नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली इन द मेकअप. आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट और आई एम नॉट अ मेकअप गुरु, बट आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कंसीलर. यू हैव टू ट्विस्ट इट एंड यू हैव टू अप्लाई लाइक दिस. अरे आजा भाई, आ रहा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या आपको? ओके. विल अप्लाई दिस फाउंडेशन. So I have to take this foundation on my hand. So let's do it. Okay, so I'm taking this amount of foundation and I'm going to mix this with this another foundation which is Color Bar. आप देख सकते हो this is Color Bar का and this is Maybelline का. So I'm going to mix it well. Maybe मेरा shade फिर ये बन जाए तो अच्छा रहेगा. I'm just randomly putting it on my face. Guys, please don't laugh. Huh? I just want to try this and I will apply it on my eyelid as well. Is that enough? मुझे तो लगता है ना ये पाउडर सिर्फ मैंने लगाई ना तो भी काफी है. बट हाँ, अभी खरीदा है तो लगा देते हैं. Okay. I have brush also, but I'm not very much comfortable. पता नहीं मैंने ये क्यों लिया था. हाँ, एक्चुअली जब मैंने ये लूज पाउडर खरीदा था ना तभी मैंने ब्रश भी खरीदा था, बट आई हैव नेवर यूज्ड इट. दैट्स मी एक्चुअली. आई बाय थिंग्स विच आई डोंट रिक्वायर एंड देन आई डोंट यूज इट. सो दैट्स मी एक्चुअली. आई एम गोइंग टू सी इट इन माय मिरर. नहीं, इतना नहीं लग रहा है, कैमरा में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे. Quite liked it actually. Not bad. So now we are going to apply this loose powder. ये भी मैं ऐसे ही लगाती हूँ. हाँ, just to avoid the crease. I think powder is very important. Otherwise ना थोड़ा वो oily हो जाता है. Powder भी हाथ से लगाना ज़्यादा better है instead of using brush. That's what I think because I have brush and I have my fingers also. Okay, jokes apart. Okay, I quite liked it actually. It matched my screen, right guys? What do you think? Please comment it down कि आपको क्या लग रहा है, मेरी स्किन को मैच हो रहा है ना? क्योंकि देखो बहुत केकी भी नहीं लग रहा है, आई गेस, राइट? केकी नहीं लग रहा है और डल भी नहीं लग रहा है. आई होप यू कैन सी द डिफरेंस एंड इफ नॉट स्टिल आई एम गोना यूज इट बिकॉज आई हैव बॉट इट विथ माई ओन मनी एंड आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट दिस थिंग्स. आई थिंक दैट्स इट. आई थिंक मैं ये मेकअप ऐसा करूंगी, देन आई विल अप्लाई द लाइनर एज वेल एंड देन आई विल अप्लाई द लिपस्टिक विच इज द बेस्ट प्रोडक्ट. तो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो. आई होप आपको कुछ सीखने को तो नहीं मैं बोलूंगी, बट आपको समझा कि ये कौन से प्रोडक्ट कैसे है, कैसे वर्क कर रहे हैं. अगर आप भी देख रहे हो कोई प्रोडक्ट परचेस करना, देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस प्रोडक्ट. आई रियली लाइक्ड इट एक्चुअली. मैंने इतना सोचा नहीं था कि अच्छे रहेंगे, बट हाँ, काफ़ी हद तक अच्छे हैं. जो मुझे कल मैंने स्पा किया, फूड स्पा किया, इवन मैंने फेशियल किया, क्लीनअप किया, वो भी चीज़ें अच्छी थी.
दोनों मुझे चीज़ें अच्छी लगी. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट एंड डू लेट मी नो अगर आपने यूज़ ऑलरेडी किया है तो आपको कैसा लगा है. एंड दीज प्रोडक्ट्स ऑफकोर्स वेरी गुड. सो या आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप यू ऑल एन्जॉयड इट एंड इफ यू डू देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई एम शूटिंग दिस वीडियो थर्ड टाइम गाइज, थर्ड टाइम, कैन यू इमेजिन थर्ड टाइम. प्लीज गाइज लाइक करना इस वीडियो को और शेयर करना.